आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गवर्नमेंट ने वन नेशन वन कार्ड के तहत जो भी राशन कार्ड में नई अपडेट्स आ रहे हैं, जैसे पुराने राशन कार्ड जितने भी हैं उन सब के पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर अब चेंज भी हो रहे हैं। सो गाइस, मैं हूं परवेज खान और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जो भी आपके वन नेशन वन कार्ड के तहत जो भी आपके राशन कार्ड हैं, आप पुराने राशन कार्ड, तो उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। और जैसे ही वो डीलर के पास जाते हैं अपने राशन को कलेक्ट करने के लिए, तो डीलर उनसे ये कह देता है कि आपका राशन कार्ड यहाँ से डीएक्टिवेट हो चुका है या आपका राशन कार्ड का जो पंजीकरण संख्या है वो मैच नहीं कर रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, या आप उस राशन के पात्र हैं या नहीं है ये आप कैसे चेक कर सकते हैं, और उस लिस्ट को आप अपना प्रिंट करा के भी रख सकते हैं जिसमें आप अपना राशन लेने में वो बहुत आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप उस पेज पे आ जाएंगे। इस लिंक का यूज़ आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही आपके सामने यहाँ पे राशन कार्ड की पात्रता सूची है, ये महत्वपूर्ण लिंक, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। नया पेज होते ही आपके ज़िले का नाम आ जाएगा। आप जो भी ज़िले में रहते हैं वहाँ से अपने ज़िले का नाम सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से आप अपना ज़िले का नाम जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा। चलिए हम अपना यहाँ पे ज़िला सिलेक्ट कर लेते हैं। ज़िला सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ से हम अपना ज़िला सिलेक्ट कर लेते हैं और हमारा यहाँ पे कस्बा आ चुका है और ब्लॉक आ चुका है, यानी अगर आप टाउन में रहते हैं तो टाउन के जो भी लिस्ट होगी वो टाउन से रिलेटेड आ जाएगी, और अगर आप ब्लॉक से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे ब्लॉक का भी नाम पूरा आ जाएगा। यहाँ पे आपके सभी ज़िले का और सभी तहसीलों का नाम आ जाएगा। जिस भी आप तहसील से रिलेटेड करते हैं उस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन होकर आएगा। चलिए हम यहाँ पे अपने तहसील का नाम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने जो भी उस तहसील में, उस कस्बे में आपके जितने भी कोटेदार हैं या डीलर हैं, आपके जो राशन वितरण करते हैं, राशन को बांटते, उन सभी का नाम आ जाएगा जिसमें आप अपना कोटेदार का नाम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन दिया है, पात्र गृहस्थी और अंत्योदय का। इसका मतलब हम आपको बता देते हैं, पात्र गृहस्थी और अंत्योदय। चलिए हम आपको पात्र गृहस्थी के बारे में बता देते हैं। पात्र गृहस्थी का मतलब होता है कि एक फैमिली में बहुत सारे मेंबरों का होना जिसमें एक कमाने वाला हो, और अंत्योदय का मतलब एक फैमिली जिसमें आपका ज़्यादा संख्या ना हो और उसमें कमाने वाला कोई ना हो। यानी कि यहाँ ज़्यादा सीधा सीधा मतलब है कि आपकी इनकम कितनी आ रही है, उस हिसाब से यहाँ पात्र गृहस्थी और अंत्योदय का यहाँ पर फ़र्क बताया गया है। इसके बाद हम अपने जो भी लीडर है हमारा डीलर, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं जो हमारा डीलर है। उसके बाद यहाँ पे नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारा नाम आ चुका है, जैसे जो भी जिस भी नाम से आपका कार्ड बना है, मुखिया का नाम, यानी कि ख़ास तौर से आजकल देखा जाता है तो लेडीज़ों के नाम से ही कार्ड बनते हैं, घर की मुखिया वही होती हैं। यहाँ पे आपकी मुखिया का नाम दिया हुआ है, जैसे धारक का नाम, पिता पति का नाम, माता का नाम, और सारी कुल यूनिट का मतलब है आपके फैमिली मेंबर में कितने लोग हैं। इसे आप जूम करके या सर्च करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे दो कलर में दिया हुआ है, एक पीला और एक हल्का नीला। इस पीले का कलर का मतलब है कि आपका पुराना कार्ड है, और यहाँ पे हल्के नीले का मतलब है कि आपका जो नया कार्ड बना हुआ है इस वक्त, यानी 2019 और 20 के अंदर, इसलिए इसे नीला दिखाया गया है। यहाँ पे अपना नाम सिलेक्ट कर लेंगे, या आप अपने थ्री डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ से फाइंड भी कर सकते हैं अपना नाम गूगल इनपुट की मदद से। क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिस पर डिजिटल राशन कार्ड संख्या लिखी होगी।
धारक का नाम लिखा होगा, पिता पति का नाम, माता का नाम, कुल यूनिट, कुल यूनिट यानी कि आपके परिवार की संख्या लिखी होगी। इसके बाद अगर आपका नाम आपको सर्च करना है तो आप आसानी से यहाँ स्क्रॉल करके या स्लाइड करके मोबाइल में आप यहाँ से अपना नाम सर्च कर सकते हैं और ब्लू लिंक पर क्लिक करके आप अपनी डिटेल को देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर अपना सर्च कर लेते हैं, जिस तरह से आप अपना भी सर्च कर सकते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने एक नई डिटेल्स आ जाएगी, जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स होगी, आपके मुखिया का नाम, आपका परिवार की संख्या, आपके परिवार के सदस्यों की संख्या और यहां तक कि आपके डिजिटल राशन कार्ड की संख्या भी आ जाएगी, जिसे आप आसानी से प्रिंट करके रख सकते हैं और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप अपने कोटेदार को, अपने डीलर को आसानी से दिखा के राशन ले सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।